ये आपका क्या नाम है? टिंकू दुबे। आप क्या काम कर रहे हैं? वेल्डिंग कर रहे हैं। वेल्डिंग कर रहे हैं। वेल्डिंग कर रहे हैं। क्या बताया गया है आपको? हमको बताया गया पाइप की वेल्डिंग करूंगा, वहाँ आदमी फंसे हैं उनको मैं करूंगा। तो आप वेल्डिंग करोगे तब काम शुरू होगा? हाँ जी, हाँ जी। तो एक एक करके बयान हम आपको इसलिए सुनवा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि बाधा कहाँ पे है, रुकावट कहाँ पे है, कैसे सरिया सामने आ गया, उसको काटने में कितना वक्त लगा, कैसे गैस कटर से उसको काटकर हटाया गया, तो फिर नई बाधा वहां सामने आ गई कि मलबा आ गया, मलबे को हटाया गया। तो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में अभी भी जो समय बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि 12 घंटे लगेगा इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में और तकरीबन 3 घंटे लगेंगे मजदूरों को निकालने में, कुल मिलाकर 15 घंटे। अब इस बीच जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सभी का क्या कहना वो भी हम आपको सुनवाएंगे, क्योंकि उनके कंधे पर ये जिम्मेदारी है कि सब कुछ सुनिश्चित तरीके से हो, कहीं कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले इस वक्त हम डीएम की बातचीत सुनाते हैं। जो अभी राहत बचाव कार्य चल रहा है उसमें बीच बीच में कुछ तकनीकी चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको ओवरकम करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों को बुलाया जाता है और उनके विशेषज्ञों के इनपुट्स लेकर ही इस रेस्क्यू कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो अंदर काम कर रहे हैं लोग उनकी सुरक्षा भी आवश्यक है और साथ ही साथ कार्य को सुरक्षित तरीके से आगे कैसे बढ़ाया जाए इसको करने के लिए ये चीज जरूरी है। कल हम सभी के पास सबसे बड़ा आधार था ये बताने के लिए कि मजदूर किसी भी वक्त निकल सकते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाने लगी थी। कल से लेकर आज तक जो हमने तस्वीरें देखी कि आसपास के इलाकों में, यानी जहां पे मैं मौजूद हूँ वहां तकरीबन 8 से 10 की संख्या में एम्बुलेंस, और यहां से 2 से 2.5 किलोमीटर के फासले पर जो एक हेलीपैड का एरिया बनाया गया है वहां पे भी एम्बुलेंस को स्टैंड बाई में रखा गया है। तो वहां से भी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाने का मतलब यह है कि जैसे ही मजदूर टनल से बाहर निकाले जाएंगे अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन में हो तो उसको हेलीपैड से सीधे शायद ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा, और अगर कोई सामान्य स्थिति में है तो उसे उत्तरकाशी में ही उसका इलाज चलना है। तो इसको आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस को लाया गया है, एम्बुलेंस की संख्या कल से ही बढ़ा दी गई है, क्योंकि कल देर रात तक या फिर देर शाम तक इस बात की उम्मीद थी कि सभी मजदूर निकट जाएंगे, काम उसी तरीके से स्मूथली आगे बढ़ा था, कहीं कोई रुकावट नहीं। लेकिन शाम 4 बजे के बाद 45 मीटर का काम कम्प्लीट होने के बाद एक ऐसी बाधा सामने आई जिसके वजह से बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ गई। लेकिन इस बीच में प्रियंका कांडपाल का, जो कि मेरी सहयोगी है, उनकी एक रिपोर्ट दिखाती हूँ कि मजदूरों के रेस्क्यू करने में कहां कहां दिक्कतें आ रही है और कौन कौन सी नई बातें बीते 24 घंटे में हुई है। सिलक्यारा टनल में फंसे हुए मजदूरों को आज 12वां दिन शुरू हो गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, उम्मीद की जा रही है कि आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा। पर उससे पहले क्या क्या तैयारियां ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये सियारा गांव के पास इस वक्त हम मौजूद, सबसे पहले तो दिखाओ ये हेलीपैड यहाँ पर एक छोटा सा बनाया गया है और जिसको फिलहाल जो मिट्टी है उसको गीला किया जा रहा है ताकि अगर अभी यहाँ कोई हेलीकॉप्टर लैंड करे तो ज़्यादा धूल वूल ना उड़े। लेकिन इसी हेलीपैड के ठीक सामने जो है आपको एम्बुलेंसेस नज़र आएंगी, एम्बुलेंसेस जो कि आप देख रहे हैं पूरी लाइंस में खड़ी हैं और यहाँ पर ही तकरीबन 20 के तकरीबन जो एम्बुलेंसेस हैं वो नज़र आ रही हैं। एम्बुलेंसेस पूरी तरीके से तैयार हैं, हेलीपैड के सामने इन्हें रोका गया है। कुछ एम्बुलेंसेस जो हैं वो सिलक्यारा टनल के ठीक नीचे हैं, उसी रोड पर मौजूद हैं और यहाँ तक जहाँ तक अब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि एम्बुलेंसेस एक एक करके यहाँ पर तमाम खड़ी हैं। ऐसे में कुछ एम्बुलेंसेस को यहाँ पर स्टैंड बाय पर रखा गया है, कुछ एम्बुलेंसेस जो है वो सिलक्यारा टनल की तरफ जो है वो स्टैंड बाय पर हैं। और अब जो है ये माना जा रहा है कि आज ये रेस्क्यू जो है वो पूरा हो जाएगा।